राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं किचन में हूँ, सुबह का टाइम है, ज़्यादा सुबह बिल्कुल नहीं है, करीबन 9:30 या 8:30 का ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, सीधे किचन में आई थी, चाय बना के सबको पहले चाय पिलाई थी और उसके बाद अभी मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। पापा भी नहाने गए हैं और नहाकर आएंगे, वो भी तैयार होना है पापा को फटाफट से, क्योंकि आज पापा को जाना है अपने दोस्त के यहाँ पर। तो आप लोगों को पता है मेरे सास ससुर जी आए हुए हैं हमारे घर पे, तो वो कुछ दिन के लिए ही आए हैं और इसी बीच में वो बनारस और अयोध्या जी भी घूमकर आए हुए हैं। साथ ही साथ आज वो अपने मित्र के घर जाने वाले हैं। इनके मित्र का घर जो है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे लोकल, उनसे भी मिलना होगा मेरे पिताजी का, मेरे ससुर जी का। तो आज थोड़ा दूर जा रहे हैं इसलिए मैंने सोचा था कि इनके लिए पूड़ियाँ वगैरह बना दूँ रास्ते के लिए, लेकिन पापा मम्मी ने बोला कि पूड़ियाँ बना मत दो, मतलब रास्ते के लिए मत दो, अचार और पूड़ी खा के चले जाएंगे तो सही रहेगा। तो मैंने सोचा सब्जी भी बना दूँ, लेकिन बोला कि नहीं, अचार ही पूड़ी खाएंगे। तो सुबह चाय नाश्ता कराया, पापा को मैंने दिया था बटर सैंडविच बनाकर, मैंने बटर ब्रेड दिया था। और मम्मी भी नहा धो के तैयार हो चुकी हैं, पापा भी तैयार हो चुके हैं, मम्मी अपनी चोटी वगैरह कर रही हैं। अभी मम्मी घर वाली ही साड़ी पहने हुए हैं, मम्मी ज़्यादा मतलब अच्छी साड़ियाँ जो होती ना वो ऐसी लेकर नहीं आई हुई थी। तो मम्मी ने बोला था प्रियंका तुम अपनी साड़ी है ना एक वही निकाल दो, तो मुझे लगा कि रेड कलर की जो चुनरी वाली साड़ी है वो बेस्ट रहेगी, वही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझको बहुत पसंद है वो। और ऐसी साड़ी मतलब अच्छा लगता है, कहीं आना जाना भी हो तब भी, घर में पूजा पाठ हो तब भी, मतलब सुंदर ही लगती है। वैसे कोई भी साड़ी मम्मी को दे दो पहनने के लिए, हो सकता है इतना ना जचे जितनी वो जचेगी। वो ऐसी एक ऐसी साड़ी है जो हर एज की उम्र में जचेगी ही। तो बस यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ स्टार्ट कर दी हैं बनाना और दक्ष अपनी साइकिल चला रहा है, तो मम्मी वापस शाम तक वापस आ जाएंगे। और दक्ष को लग रहा है कि बाबा और दादी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो बार बार पूछ रहा था और बाबा भी उसको चिढ़ा रहे थे, दक्ष जा रहा हूँ, दक्ष जा रहा हूँ। तो वो भी चिढ़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार वो अपने बाबा से करता है और बाबा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। बाबा की बात करूँ तो बाबा सच में बहुत ज़्यादा दक्ष से प्यार करते हैं। मम्मी ऑयल लेकर आ गई हैं और यहीं बाहर में ही बैठ के बालों में तेल लगाएंगी और कंघी करेंगी। और मैं यहाँ भी जी तो मम्मी ने मुझसे कुछ चीज़ मांगी ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बस ढूंढती रही जो उनको दिखता रहा, निकालती रही ढूंढती रही। मैंने बोल दिया ये ड्रेसिंग टेबल है, इसी में रखा हुआ सारा सामान, क्रीम, सिंदूर, बिंदी, जो भी चाहिए सब इसी में है। तो अपना ढूंढ लेती थी, लगा ले रही थी। फिर जब मैं बना के जैसे ही फ्री हुई तो मुझे लगा कि नहीं, कोई चीज़ नहीं मिल रही होगी मम्मी को, कोई चीज़ का नहीं उठा रही होंगी या कुछ भी। तो मैं गई थी फिर देखने, तो फिर मम्मी को सिंदूर नहीं मिल रहा था, तो मैंने सिंदूर दिया। मम्मी सोच रही थी ये लिपस्टिक है या सिंदूर है, इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले थाली लगा दी थी अपने कान्हा जी के लिए कि कान्हा जी खाना खा लें, उनको भूख लग जाए। और यहाँ पे मैं प्लेट लेके घूम रही थी कि चलो मम्मी खा ले, पापा खा ले, कोई तो खा ले, फिर कोई नहीं बच्चे ने खाया। ये वाला मैंने बताया ये सिंदूर है, आप लगा लीजिए। मम्मी को कन्फ्यूजन थी बहुत कि लिपस्टिक है सिंदूर है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज थी। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर उसके बाद मैंने साड़ी निकाली मम्मी के लिए। और इसी बीच में मैंने ना देखा मम्मी के हाथ में जो कंगन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, वो घर में जो पहनती होंगी आई थिंक वही पहने चली आई हैं या कुछ भी। वैसे तो मम्मी पास बहुत सारी चूड़ियाँ, कंगन, खूब सारी साड़ियाँ, सब कुछ है, लेकिन वो है ना कि आई है तो कितना सामान लेकर आएँ, कितना लाद के लाएंगे, तो वो लाई नहीं थी और पहन के भी वो ऐसी चली आई थी। मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसा किया, लेकिन फिर मेरे पास एक जोड़ी कंगन रखे थे जो कि सच में मेरे साइज़ के नहीं थे और वो न्यू ही कंगन थे, मेरे साइज़ के ही नहीं तो न्यू ही होंगे। तो मैंने उनको निकाला और दीवान बेड से मैंने मम्मी के लिए साड़ी निकाल दी। इसका ब्लाउज मैंने बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ रख दिया है, कभी कभी ऐसी जगह रख देती हूँ ब्लाउज मिलता ही नहीं है। तो फिर मैंने वो कंगन निकाले और एक्चुअली क्या है, मैंने जब वो कंगन मंगाए हुए थे तो वो मेरे साइज़ के नहीं आए थे, मुझे लगा कि मैंने जो साइज़ के मंगाया था वो आ जाए, लेकिन वो नहीं है। फिर मैंने रिटर्न नहीं किए थे, मैंने सोचा चलो ठीक है किसी ना किसी के काम आएंगे। तो मम्मी के जो साइज़ है वो मेरे साइज़ से एक साइज़ छोटा है, तो मैंने मम्मी के लिए ये कंगन जो अभी है कंगन ही निकाल रही हूँ। कंगन निकाली भी मम्मी बोली थी मेरी साड़ी थोड़ी ठीक कर दो, तो मम्मी की प्लेट्स वगैरह ठीक कर रही हूँ। अच्छा, मुझे साड़ी पहनना तो आता है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं आता लेकिन आ जाता है पहनना। मुझे वैसे साड़ी वगैरह ज़्यादा अच्छे से पहनना नहीं आता है, लेकिन किसी और को पहनाना होगा ना तो बिल्कुल नहीं पहना पाऊँगी। तो रही बात प्लेट्स में लगाने की या फिर पिन लगाने, तो मम्मी से बोला कि आप प्लेट्स बना लो, मैं पिन लगा दूंगी।
और यहाँ पे मैंने कंगन भी निकाल दिया। मैंने बोला मम्मी आप ये पुराने वाले कंगन निकाल दो, चूड़ियाँ चूड़ियाँ डाल दो और इधर उधर बीच में भी जो चूड़ियाँ डालो इधर उधर ये कंगन डाल लो। तो चार कंगन थे, मोती वाले थे, अच्छे थे, सुंदर लग रहे थे। तो मम्मी भी खुश होकर पहन ली थी और बहुत अच्छे से तैयार हो गए। वो मम्मी जाने वाली थी तो मम्मी को बस ये सब कराने के बाद मैंने मम्मी को खाने पीने के लिए दिया, पूरी वगैरह खाई। और अभी तक मेरे हस्बैंड ने भी नहीं कुछ खाया था, वो इंतजार कर रहे थे मम्मी पापा चले जाएंगे तब खाएंगे, और क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी मम्मी पापा निकल रहे हैं और मैं खाने बैठ जाऊँ। तो मैंने बोला ठीक है, जब जैसी मर्जी हो वैसी। तो मम्मी पापा ने खा लिया था और बच्चों ने खा लिया था। और इनके जाने के बाद जब देर हो रही थी मम्मी पापा को जाने में, रिक्शा आ नहीं रहा था, तब तक मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं खा ही लेता, भूख लगी है। तो फिर उनको मैंने चाय दे दी, पूरी नहीं खाई थी, बोले चाय या ब्रेड दे दो बस। तो यहाँ पे दादी और बाबा दक्ष के जा रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। और दक्ष थोड़ा सा उदास हो गया था। बस उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और फिर बस वही पूरी किचन वगैरह साफ करना, लाला को पानी वगैरह पिलाया, मैंने अपने मोहन को पानी पिलाया और उसके बाद मोहन को भोग लगाया। और उसके बाद मैं इनको हॉल में ले आई थी। बहुत गर्मी हो रही है। एक कमेंट आया था जो कि मेरी व्यूवर्स हैं सुपचिंतक, मुझे मेरी सुपचिंतक कहती हैं अपने आप को, और ऐसे न जाने कितने मेरे सुपचिंतक हैं जो मुझे बहुत प्यार, मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं उसका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकाल के मेरे वीडियो देखते हैं। इससे खुशी की बात क्या ही हो सकती है। और अपनी राय देना, अपने कमेंट्स लिखना, वो तो आपका है कि आपके मन में क्या है कि आप किसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन ये है कि जब भी कुछ बताने की या भी कुछ सलाह देने की बात होती है तो मैं बहुत अच्छे से उस कमेंट को लेती हूँ। और उनका एक कमेंट था कि भगवान को भगवान जैसे ही रखो, क्या सभी भगवान को गर्मी नहीं लगती है जो इनको लिए लिए घूमती हो। तो मैं आपको बता दूं, ये लाला है, मैं इनको मंदिर में ही रखती थी हमेशा और कभी भी इनको इस तरीके से नहीं उठाती थी। बस ये है कि अब इनकी कृपा है और ये चाहते हैं मेरे साथ बिल्कुल बच्चे जैसा व्यवहार करें, तो मैं उसी तरीके से रखती हूँ इनको। और जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल हैं तो वो बाल स्वरूप हैं, तो उनको बाल स्वरूप की जैसी सेवा करनी चाहिए उनकी। और ये बाल बाल स्वरूप हैं तो बच्चों के साथ खेलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और इनको सुलाएंगे भी हम, उनको गर्मी भी लगती है। तो सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। जय श्री राधे। कुछ गलती कही, गलत कहा हो तो माफ़ करना, और जिस जिन जिन को मेरी बातें बिल्कुल सही लग रही हैं जय श्री राधे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। श्री राधे। मोहन को बिठा दिया है मैंने हॉल में और बच्चे खेल रहे हैं वहीं पे, मोहन भी देख रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं और अब बच्चे भी उनसे बातें बातें करते रहते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी कुछ पापा के कपड़े जो मैंने धुलने के लिए, मम्मी ने कहा था कि ये पापा वाले कपड़े हैं इनको वॉशिंग मशीन में ही धुल लेना। तो मैंने फटाफट से धुल के इनको सुखा दी, सूखने के लिए डाल दिए हैं ताकि सूख जाए तो वो अपना बैग वगैरह में लगा लेंगी। तो आज कपड़े थे भी काफ़ी ज़्यादा, एक दो दिन से धुले भी नहीं थे। ये बेडशीट भी है, मम्मी पापा जैसे स्टेशन पर पहुँचे और ट्रेन वगैरह लेट है तो अपना बिछा के बैठ भी जाते हैं, तो अपनी व्यवस्था वो करके चलते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जब मैं भी नेक्स्ट टाइम जाया करूँगी तो मैं भी ऐसे लेके जाया करूंगी। खैर अभी तो कोई मौका ही नहीं है कहीं जाने आने का, लेकिन बस ये है कि हाँ छुट्टियां भी निकली गई, बिल्कुल खत्म हो गई हैं और स्कूल शुरू होने वाले हैं फाइनली। दक्ष के और आद्या के स्कूल 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड के तो पहले ही से शुरू हो गए हैं स्कूल। तो बस अगले नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड स्कूल जाने वाले हैं। और मम्मी पापा शाम को आ गए थे, मैंने भी दोपहर में सो लिया और उसके बाद फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ भी शायद गई थी मैं, और हाँ गई थी थोड़ी देर के लिए, तब तक पता चला मम्मी पापा शाम को आ ही गए। तो आ गए तो मम्मी पापा से बोला कि आप बताओ क्या खाओगे, तब तक मम्मी ने सारे कपड़े तय लगा दिए और मैं बना रही थी मम्मी पापा के लिए यहाँ पे खाना। और खाने में क्या बनाया था, हाँ मम्मी पापा बोल रहे थे मुझे तरोई की सब्जी और अरहर की दाल और रोटी यही सादा सा बना दो। मैंने आज का प्लान किया था कि मैं दाल बाटी बनाऊंगी मम्मी पापा के लिए, पनीर की बाटी और दाल, ये सारी चीज़ें। लेकिन इतनी गर्मी भी थी और दूसरी बात मम्मी और पापा का मन नहीं था, क्योंकि जिनके यहाँ गए थे वहाँ भी खा पी के आए थे तो पेट ज़्यादा खाली नहीं था। तो उनका मन था कि चलो सादा सा खाना बना दो वही खाएंगे, और पापा का स्पेशली कहना था कि सारी रोटी खट्टे सेक लो और साथ में बैठ के खाएंगे। ये गुड़ है जो मम्मी लेकर आई थी पका हुआ, ये भी मैं लेके जा रही हूँ। आम काट दिए थे तो ये सब हो गया था हमारा एक साथ बैठ के रात का डिनर। सारे कपड़े तय लग गए हैं तो इनको मैं सुबह रखूँगी, इतनी ज़्यादा थकी हूँ कि मैं कपड़े तक नहीं उठाई थी यहाँ पे तय हुए। और ये देखिए सब ने आधे और दस ने खाना खा लिया है और उसके बाद यहाँ पर
मैंने मोहन को भी दूध का भोग लगा दिया है, वो भी दूध पी के अभी सोए नहीं है, उनको सुलाना पड़ेगा जाके। अभी मैं सुलाऊंगी जाके खाना वाना सब काम करने के बाद, और उसके बाद साथ में बैठ के खाना खाया। यहाँ पे एक प्लेट मुझे कम लग रही थी अपनी, तो मैं अपनी प्लेट लेकर जा रही हूँ, और आध्या सर्व कर रही है क्योंकि आध्या खाना खा चुकी है। आध्या को बहुत मज़ा आ रहा है दादी बाबा को सर्व करने में, और बस मैं अपनी प्लेट लेके पहुँच रही हूँ, मैं भी खाऊंगी। खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन धुले, बर्तन धुलने में ये पसीना आता है कि क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि गर्मी क्या करने वाली, चक्कर खा के गिर जाए, ये हालत हो रही थी। बस जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय मोहन करते करते बस सारा काम मेरा निपट गया। और गाइज भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा, सब अच्छा हो रहा है, और महादेव की कृपा भी रहेगी हम पर, माता दुर्गा की कृपा भी रहेगी हम पर, सभी की रहेगी। तो ऐसा मत लिखो कमेंट में कि आप एक ही भगवान को ज़्यादा वो दे रहे हो, वो मेरे छोटे से बाल गोपाल के रूप में है, इसलिए मैं उनकी इस तरीके सेवा कर रही हूँ। बाकी का आप में से जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और बस आ गई हूँ मैं थोड़ी देर के पंखे के नीचे, ताकि थोड़ी पसीना सुखा लूँ, गर्मी बहुत लग रही है। बस थोड़ी देर बैठी और उसके बाद मैं बाहर निकल गई वॉक करने के लिए, क्योंकि बाहर निकलते ही बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, थोड़ी थोड़ी सी, चाहे थोड़ी सी ही चले लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो वॉक तो मुझे करना ही है, उसको नहीं रोकती हूँ मैं, उससे थोड़ी सही रहता है। अगर एक दो दिन वॉक ना करो, छोड़ दो, तो पैरों में दर्द रहता है, तो मैं वॉक कंटिन्यू करती हूँ, चाहे वो मैं आधा घंटा ही क्यों ना करूँ। वैसे तो मेरी 1 घंटा वॉक अच्छे से हो जाती है, तो आज मैंने आधा घंटा ही वॉक की थी क्योंकि देर ज़्यादा हो गई थी। तो आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, लिखना ज़रूर श्री राधे, जय कृष्ण, जय मोहन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।